अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है। एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है, उदय भान ने कहा है। मतगणना एजेंटों पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, ये उदय भान का कहना है। हरियाणा में कांग्रेस की बंपर जीत का इस बीच दावा भी उन्होंने कर दिया। हरियाणा में 10 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, उदय भान ने कहा है। किसी भी कीमत पर 8 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, उदय भान की तरफ से ये दावा जो है हरियाणा के लिए किया गया है। एग्जिट पोल पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का ये बयान, एग्जिट पोल जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा बता दिया एग्जिट पोल का पोल को। हरियाणा में कांग्रेस की बंपर जीत का भी उन्होंने दावा कर दिया, कहा 10 सीटें जीत सकती है कांग्रेस और 8 पर तो उन्होंने ये कह दिया कि 8 सीटें तो कांग्रेस के खाते में आएंगी ही आएंगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। जी, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में, उदय भान जी? एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है। वर्कर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से वाले नहीं। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए एग्जिट पोल पर अब विपक्ष किस तरह से कटाक्ष कर रहा है, इससे पहले हमने राहुल गांधी को भी सुना था, उदय भान भी कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए हैं। उन्होंने बोल दिया मतगणना एजेंडों पर दबाव बनाने का काम हुआ है, इसके साथ ही काफी कुछ उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 8 सीटों से कम नहीं मिलेंगी, 8 सीटों से ज्यादा पर ही कांग्रेस आएगी, ये कहते नजर आए हैं उदय भान। एग्जिट पोल के जो रुझान है उसको एकदम नकार दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस की लीडर हो या फिर इंडिया गठबंधन के जितने तमाम लीडर्स हैं, सभी का लगातार ये कहना है कि एग्जिट पोल नहीं, ये बोगस पोल है। यानी उनकी तरह पूरे तरीके से नकार है जो आंकड़े एग्जिट पोल बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन को साथ ही इंडिया अलायंस को लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसको लगातार नकारा जा रहा है। और लगातार उनका ये चीज कहना है कि 295 कम से कम, जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया था उसे दोबारा रिपीट की जा रही, चाहे वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम कांग्रेस इंडिया अलायंस के लीडर्स हो, सभी का कहना है कि 4 जून को जिसकी सरकार आने वाली है वो इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, स्थायी सरकार बनेगी। और हमने बिल्कुल उदय भान को भी सुना कि एग्जिट पोल जनता को धोखा दे रहा है, यह भाजपा द्वारा चुनाव आयोग और मतदान एजेंट्स पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। कांग्रेस हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतेगी और कल भी देखिए कम से कम 8 सीटें जीतेगी कहा गया उदय भान के द्वारा। और कल भी जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं तो सभी सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगी, यानी सभी 10 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन में ही आएगी, इस तरह की चीजें उदय भान के द्वारा कही गई थी। वही देखिए बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी मीडिया से बातचीत की थी, जब पहली मीटिंग हुई थी सभी कैंडिडेट्स के साथ जो मीटिंग की गई थी तो राहुल गांधी के द्वारा भी ये चीजें कही गई कि ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है, ये फैंटेसी पोल है। जब सीटों को, जब नंबर के बारे में कहा गया नंबर आएगी इस पर उनके द्वारा भी कहा गया 295। और वही अगर बात करें किसी वेणु गोपाल की तो उनके द्वारा भी यही चीजें की गई, बिल्कुल तरीके से नकारा गया है, जो भी एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसे नकारा जा रहा है इन सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता। तो देखिए एनडी गठबंधन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के रुझानों को हजम कर पाने में यहां पर थोड़ा उसके लिए मुश्किल नजर आ रही है।